दीदी, आज आप मेरे पास आए हो डांस स्कूल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है टुनटुन मौसी। बचाओ, मैं ढोलकपुर से आया हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। हाय गाइस, अरे डोरेमोन हाय, कैसे हो? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? डोरेमोन की आवाज चली गई? ओह नो, तुम्हारे पास तो इतने गैजेट होते, अपनी आवाज ठीक कर लो ना। डोरेमोन हर चीज में मना कर रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें अपनी आवाज वापस चाहिए? ओके, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, जो ना तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस दे सकती है। चलना उसके पास। चलो चलो चलो, आ जाओ। इसकी आवाज चली गई है, तुम डोरेमोन को उसकी आवाज वापस दे दोगी? गरिमा टेंशन मत लो यार, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं हूँ तो डोरेमोन की आवाज को कुछ हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों डोरेमोन? आर यू रेडी? ओके, तो चलो डोरेमोन की आवाज वापस लेकर आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरी आवाज को कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो गैजेट्स की भरमार है। Oh my God, this was awesome. Thank you. Friends, यही है मोहतरमा डोरेमोन की असली आवाज, और डोरेमोन के जितने भी गैजेट्स है ना, वो यही सबको बांटती रहती है। I wish मेरे पास सच में डोरेमोन के गैजेट्स होते यार, कितना मजा आता ना, है ना? हाँ। वैसे अगर आप लोगों को डोरेमोन पसंद है, डोरेमोन की आवाज पसंद है, मैं पसंद हूँ, प्लीज इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि सोनल के साथ आज हम बहुत मजे करने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द मोटर माउथ एंड गरिमा'स गुड लाइफ। डोरेमोन, आर यू हैप्पी? यस, मैं बहुत खुश हूँ। चलो ये। तो मैं बताऊं पहले आपको कि मैं डोरेमोन जो है ना, वो 2005 में मैंने डब करना शुरू किया था, एंड मैं खुद तब एक बच्ची थी। सो आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड डोरेमोन की वजह से मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इतने सारे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं। तो डोरेमोन जो है वो मेरी जान है, और डोरेमोन का टाइटल ट्रैक मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगी। सो स्वीट। सो जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी के लेके हंसी ये आए, सबकी जिंदगी ये सवारे ये है डोरेमोन। डोरेमोन, डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। Started as a child artist, है ना? तब तो तुम्हारी आवाज बच्चों वाली obviously होगी। हाँ। इसलिए डोरेमोन का yes. किया डबिंग। yes. अब तुम बड़ी हो गई हो, अभी कैसे करती हो? जब मैं छोटी थी तो वो मेरी नेचुरल आवाज थी, और अब जब मैं डोरेमोन की आवाज निकालती हूँ तो मुझे अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, यानी मुझे अपनी आवाज को चेंज करना पड़ता है और डोरेमोन की तरह साउंड करना पड़ता है। एंड फ्रेंड्स, अब मेरे पास ना आप लोगों के लिए और आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, ढोलकपुर के लड्डू, वो भी टुनटुन मौसी के हाथ के, मैं तो सारे खा जाऊंगा। इसने मुझे टुनटुन मौसी बना दिया। थैंक यू। बट फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए कि हमारे फेवरेट छोटा भीम की आवाज भी सोनल ने दी है। और कुछ बोल के बताओ ना, क्या करता है भीम? भीम के पास ना बहुत सारी शक्ति है, तो वो पता है क्या करता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो ही इज ऑलवेज लाइक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। वेरी नाइस। चलो इसी बात पे एक लड्डू खा लो। छोटा भीम की तरह बात करो, कैसे खाता वो लड्डू खाते हुए? ये तो बहुत स्वादिष्ट है टुनटुन मौसी। आज ये राज खुलेगा कि द मोटर माउथ एक्चुअली डबिंग कैसे करती है। She is gonna take us inside her dubbing studio. Yes. चलिए। सिर्फ और सिर्फ गरिमा'स गुड लाइफ पे आपको देखने को मिलेगा। Thank you. चलो 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 चलो, I'm excited. ये देखो। Oh wow.
ये है तुम्हारा डबिंग का सेटअप? यस, ये है मेरा छोटा सा क्यूट सेटअप। इतना क्यूट और छोटू है ये तो, मुझे लगा सोनल के पास ऐसा एक पूरा कमरा होगा। हम लोग डबिंग स्टूडियो में जाते हैं ना, चारों बाजू ऐसा वॉल्स पूरी कवर्ड होती हैं। ये क्या है भाई? सो एक्चुअली जब मेरी बेबी हुई तो मैंने सोचा कि घर से ही काम करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती, तो मुझे एक छोटा सा क्यूट सा सेटअप चाहिए था। तो मैंने ये एक छोटा सा सेटअप यहाँ पे लगाया है और मैं यहाँ बैठती हूँ, काम करती हूँ और पीछे से इसको करती हूँ कवर, तो ये पूरा साउंड प्रूफ हो जाता है। ये मतलब लिटरली ये तुम्हारा डबिंग स्टूडियो है पूरा। yes. इसमें ऐसा मुंडी घुसाने का और ये डबिंग स्टूडियो बन जाता है। यस, और दिस इज सो साउंड प्रूफ। मैंने अपने 10 साल के एक्टिंग करियर में कभी इतना कॉम्पैक्ट डबिंग सेटअप नहीं देखा गाइस। और एक बात बताऊं, दिस इज पोर्टेबल, ये पूरा ऐसे पैक हो जाता है और एक छोटा सा ऐसे सूटकेस जैसा बन जाता है एंड यू कैन टेक इट अलोंग एनीवेयर। तो कहीं पे भी अगर घूमने जा रहे हैं मैं और आप तो हम ये साथ में लेके जा सकते हैं। क्या बात है, ये मिलता कहाँ पे भाई? इंडिया में मिलता है? नहीं, ये एक्चुअली मैं जब कनाडा गई थी अपने भाई के पास तो मैंने US से मंगवाया था। There's a website called Vocal Booth to Go. वहाँ से मैंने ये मंगाया था। वही सोचूं। तुम्हारी वॉल कितनी क्यूट है यहाँ पे। Is this like an inspiration wall that you have? Kind of. So ये भी जब मेरी बेबी हुई थी उसके बाद ना, there are times when you feel कि अरे यार मैं बाहर नहीं जा पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। So there was a day जिस दिन मैंने क्या किया, सारे जितने मेरे पास कार्टून्स के कटआउट्स थे ना उनको ऐसे अरेंज किया और यहाँ पे प्लेस कर लिया। इसमें से डोरेमोन की वॉइस मैं करती हूँ, आपको पता है छोटा भीम की मैं करती हूँ, पाप ऑफ गर्ल्स में मैं बबल्स की वॉइस करती हूँ। सीरियसली? यस यार, ये एक कार्टून ऐसा निकला जो मेरे जमाने का है, पाप ऑफ गर्ल्स। आई वांट टू, आई लव बबल्स। ओह, डू बबल्स फॉर मी प्लीज। सो बबल्स ना गरिमा दीदी के लिए क्या बोलेगी पता है? हाय गरिमा दीदी, आज आप मेरे पास आए हो डांसविल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज माय फैन मोमेंट। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लगाए हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब, क्योंकि आई एम अ यूट्यूबर एंड ये सब मैंने लगाए हैं। आजकल एनिमेस भी, मैं बहुत सारे एनिमेस। हाँ, मैं उसी पे ही आ रही थी। सो अपार्ट फ्रॉम द पुराना वाला जो भी हमने कार्टून्स देखे हैं, ऑब्वियसली एनिमेस आर द यो एंड इन थिंग। एंड नारुतो तो मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है, मुझे तो पता भी नहीं है नारुतो है क्या, बट अपेरेंटली इट्स क्वाइट फेमस, राइट? इसके मर्चेंडाइज भी देखे मैंने बहुत सारी शॉप्स में। और एक्चुअली जो एनिमे फैंस होते हैं ना, वो फैंस नहीं होते, वो मतलब ऐसे फॉलोअर्स होते हैं, वो एनिमे शिद्दत वाले एकदम। एग्जैक्टली, वो मतलब ऐसे होते हैं कि हमारी दिलो जान इस पे कुर्बान है, एनिमे पे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं वो। ड्रैगन बॉल में मैं एंड्रॉयड 18 और ग्रैंड जेनो को डब करती हूँ, जिन लोगों को पता है वो इस वक्त ऐसे कर रहे होंगे। बट तो कैन यू से समथिंग इन देयर वॉइस? सो दीज आर जापानीज एनिमेस, दीज आर जापानीज, सो So you dub them in Hindi. हाँ, होता क्या है, जापान में एनिमेशन को एनिमे बोलते हैं। सो जापानीज जो एनिमेशन होता है वो एनिमे है। सो डोरेमोन इज ऑल्सो एनिमे। सो अगर एंड्रॉइड 18 है तो वो ऐसे बोलती है, वो शी इज वेरी बॉसी एंड वेरी सीरियस काइंड ऑफ। सो शी इज ऑलवेज लाइक, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और मैं वही करूँगी, ऐसा नहीं होगा, चुपचाप वहाँ साइड में जाकर बैठ जाओ। Goosebumps, literally goosebumps. अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चों की आवाज में बात कर रही थी and now she is like all sexy. I'm also the voice of Arya Stark in Game of Thrones. अगर आपने Game of Thrones देखा है, so HBO के लिए जब वो डब होता था मैंने हिंदी में Arya Stark को अपनी आवाज दी है। ओके, सो अब हम एक ऐसे कैरेक्टर के लिए डब कर रहे हैं जो कैरेक्टर डूब रही है पानी में। ओके, रेडी? बचाओ, 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 मेरी बहन, मैं आ गई तुझे बचाने के लिए। ओ भाई साहब, दिस वाज सो रियल, दिस इज सो कूल। तो अगर कोई वॉइस एक्टर बनना चाहता है इंडिया में, कोई डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहता है,
कोई कोर्स होता है, क्या होता है, लाइक व्हाट कैन पीपल लर्न अगर उन्हें ये स्किल सेट चाहिए तो? हाँ, सो पहले बिल्कुल भी कोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे वॉइस स्कूल्स हैं, वॉइस एक्टिंग सिखाते हैं, वॉइस ट्रेनिंग देते हैं. हाँ, बहुत सारे हैं. आपको मुंबई में मैक्सिमम ये स्कूल्स मिल जाएंगे, ट्रेनिंग स्कूल्स. इनफैक्ट मैं भी लोगों को ट्रेन करती हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. सीरियसली? यस. वाओ, सो दिस इज न्यूज टू मी, आई डिडंट नो दिस. गाइज, अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है वॉइस एक्टर बनने का, आप लोगों ने देखा कि सोनल इज सच अ क्रिएटिव पर्सन, वो क्या क्या करती है. If you want to learn from her, I will put the link or whatever you have, like, yes, for your classes right, yes, here in my description. Please find out how, bhai. And now to end this video, I have a quick rapid fire round for you. Okay. Doraemon or Chota Bheem? Doraemon, क्योंकि वो मेरा पहला character था. Sonal's voice or kid's voice? Kid's voice, हमेशा. How sweet. क्योंकि उससे मैं किसी को भी मना सकती हूँ, अपने हस्बैंड को भी मैं ऐसे ही मनाती हूँ किड्स वॉइस में. बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है. यूट्यूब और डबिंग? डबिंग, क्योंकि डबिंग मैं कर भी सकती हूँ और फिर यूट्यूब पे भी मैं डबिंग करते हुए दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ यूट्यूब करूंगी तो मैं डबिंग नहीं कर सकती. डबिंग फॉर रियल ह्यूमंस और कार्टून्स? डबिंग फॉर कार्टून्स. रियली? यस. So, dubbing for cartoons is actually more difficult. लेकिन मेरा वो फोटे है और कार्टून की वजह से ही मैं बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्ट हुई हूँ आज तक, इसलिए डबिंग फॉर कार्टून्स. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गरिमास गुड लाइफ. आई हैड सो मच फन विद यू टुडे. सेम. यू सो मच. अगर आपका कोई और फेवरेट यूट्यूबर है जिसके साथ आप चाहते हो कि मैं एक और डे स्पेंड करूं, है ना, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. और प्लीज गो टू सोनल्स चैनल द मोटर माउथ, शी हैज सम अमेजिंग कंटेंट हियर एंड ऑन इंस्टाग्राम, तो सब जगह पे आप इनको भी फॉलो कर लीजिएगा. चलो, बाय गाइस, टाटा, लव यू ऑल.